वीकनेस इज डेथ, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु के समान है। इसलिए उन्होंने पढ़ने वालों के लिए कहा था कि स्टडी एज इफ यू बट टू लाइव फॉर एवर, पढ़ो तो ऐसे जैसे हमेशा जीना है। और वही जीने वालों के लिए उन्होंने कहा था कि लिव एज इफ यू बट टू डाई टुमारो, जियो तो ऐसे जैसे कल ही इस दुनिया से जाना है। आज जीने का अवसर मिला है तो कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपका कल याद करें। यह चूंकि स्वामी विवेकानंद जी एक अवतारी महापुरुष थे, एक ऐसे ऋषि जो कि उनका नाम अभी बताए हमारे मुख्य अतिथि जी ने, बचपन का नाम नरेंद्र था, तो अपने भाइयों से और उन सब से परिवार वालों से कहा कि मेरे को कोई मुझे कोई गुरु चाहिए, मुझे ले चलिए किसी जिसको मैं गुरु बना सकूं। तो बहुत सारे आश्रमों में बहुत सारे बाबाओं के यहाँ साधुओं के यहाँ गए, लेकिन किसी को उन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किया। प्रणाम करके चले आते थे, उसके पीछे ही कारण होता था कि जहां भी वो आश्रम में या साधु महात्मा के यहाँ जाते थे तो एक प्रश्न करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता होगा सही तरीके से, इसलिए माँ और उन्होंने मना कर देते थे कि मैं कोई और देखते हैं। आखिर में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में पहुंचे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में, तो उन्होंने उन महात्मा से भी यही सवाल किया कि मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा, परंतु मेरे एक प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे नंकर बच्चे करते हैं ना, अपनी अपनी बात को एकदम तपाक से रखते हैं। उन्होंने कहा मेरे एक प्रश्न है, उसका जवाब दीजिए, मैं आपको गुरु तुरंत बनाऊंगा। बोले बालक प्रश्न करिए। उन्होंने कहा महात्मा जी क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो महात्मा जी ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। अरे बाप रे, इतनी स्पीड में इतनी अच्छी तरह से विश्वास आत्मविश्वास के साथ अभी तक किसी साधु महात्मा ने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहा वाह जय हो। बोले एक बात और बताइए ईश्वर कैसे होते हैं, तो महात्मा रामकृष्ण परमहंस जी ने तुरंत कहा ईश्वर आप जैसे होते हैं। उन्होंने तुरंत उनको गुरु स्वीकार कर लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। तो उन्होंने माँ को प्रणाम किया। इस दुनिया के अंदर याद रखिए बहुत आप हम बता रहे एकमात्र पति पत्नी की जोड़ी है जो अब तो नहीं है लेकिन रही है, जो कि अपनी पत्नी को वो माँ कहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी, और जो माँ की माँ शारदा पत्नी उनकी वो उनको स्वामी कहती थी। तो जब वो अपनी गुरु माँ से मिले तो उन्होंने कहा हे माँ मुझे मनुष्य बना, मनुष्य बन जाएगा तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है।